आज के वीडियो में बात करने वाले हैं सिटी बैंक रिवॉर्ड क्रेडिट कार्ड के बारे में। दोस्तों, इस कार्ड को आप लेते हैं तो आपको क्या क्या इस कार्ड में बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, क्या इस कार्ड के फीचर्स वगैरह है वो मिलने वाले हैं, क्या इस कार्ड के चार्जेस वगैरह है, सारी जानकारी है वो आपको इस वीडियो में कंप्लीट मिलेगी। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं धर्माराम, आप देख रहे हैं विशाल डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो चले आज कुछ नया सीख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के वेलकम बेनिफिट के बारे में। दोस्तों, ये कार्ड आपको जैसे ही मिलता है फर्स्ट 30 डेज के अंदर आप अगर कोई भी स्पेंड यहाँ पे करते हैं तो यहाँ पे आपको 1500 बोनस रिवॉर्ड पॉइंट आपको दिया जाएगा। इसके अलावा ये जैसे ही आपको कार्ड मिलता है फर्स्ट 60 डेज के अंदर अगर आप 1000 रुपए इस कार्ड से स्पेंड करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको बोनस के रूप में 1000 बोनस पॉइंट यहाँ पे दिया जाएगा। यानी कि टोटल मिला के आपको वेलकम बेनिफिट के तौर पे 2500 बोनस रिवॉर्ड पॉइंट आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। इसके अलावा इस कार्ड से आप हर महीने में अगर 30,000 रुपए अगर स्पेंड कर देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आपको 300 बोनस रिवॉर्ड पॉइंट आपको मिलते रहेंगे। यानी कि हर महीने आप अगर करते जिस महीने में आप 30,000 रुपए स्पेंड करेंगे उसी महीने में आपको 300 बोनस रिवॉर्ड पॉइंट भी मिल जाएंगे। अब बात करते हैं इस कार्ड के मेन रिवॉर्ड पॉइंट के बारे में। इस कार्ड को यूज करके अप्रैल और डिपार्टमेंटल स्टोर पे आप 125 रुपीज अगर स्पेंड करते हैं तो यहाँ पे आपको 10 रिवॉर्ड पॉइंट दिए जाएंगे। ये जो ट्रांजेक्शन है ये ऑनलाइन आप कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। दोनों ही तरीके के ट्रांजेक्शन पे आपको 10 रिवॉर्ड पॉइंट दिए जाएंगे। इन दोनों कैटेगरी को छोड़ के बाकी कोई भी आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं 125 रुपीज का, तब आपको मिलेगा 1 रिवॉर्ड पॉइंट। इसके अलावा दोस्तों, जो आपको 10 रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं ना, ये आप महीने में 7000 रुपए स्पेंड करके आप 10 रिवॉर्ड पॉइंट ले सकते हैं। यानी कि 7000 तक का आप ट्रांजेक्शन करते हैं तब तक आपको 10 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा। 7000 से ज्यादा का आप कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे इन दोनों कैटेगरी पे तो आपको 1 रिवॉर्ड पॉइंट के रूप में देखा जाएगा। दोस्तों, इस कार्ड पे जितने भी आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं ये रिवॉर्ड पॉइंट्स आपका एक्सपायर नहीं होगा। ये सबसे अच्छी बात है कि आपके कितने भी रिवॉर्ड पॉइंट हो जाए ये कभी भी एक्सपायर नहीं होते हैं। जब आपकी मर्जी हो तब आप रिडीम कर सकते हैं। बात करते हैं इनके रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू के बारे में। तो दोस्तों, इनके रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू है वो जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इस तरह है। जैसे वैल्यू की बात की जाए तो जैसे इंडियन ऑयल ऑथराइज जो आउटलेट है उनपे अगर आप इनके रिवॉर्ड पॉइंट को रिडीम करवाते हैं तो यहाँ पे आपको 25 पैसे की वैल्यू मिल जाती है पर रिवॉर्ड पॉइंट की। लेकिन आपके पास 250 रिवॉर्ड पॉइंट होना चाहिए तभी इनके इंडियन ऑयल जो ऑथराइज है वहां पे ही रिडीम करा सकते हैं। यानी कि इसके अलावा नहीं होगा। जो इनके ऑथराइज इंडियन ऑयल के आउटलेट है वहीं आप सिर्फ करवा सकते हैं। इसके अलावा इन स्टोर शॉपिंग यानी कि आप कोई भी शॉपिंग ऑनलाइन या फिर इनके पार्टनर स्टोर है वहां से आप कर सकते हैं। अगर शॉपिंग करते हैं तो आपको 1 रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू 30 पैसा आपको मिल जाएगी। बट आपके पास मिनिमम रिवॉर्ड पॉइंट है वो 250 रिवॉर्ड पॉइंट होना चाहिए। इसके अलावा ऑनलाइन शॉपिंग के लिए भी आप कर सकते हैं। ट्रेवल साइट पे आपको 25 पैसे की वैल्यू मिलेगी, अदर ऑनलाइन शॉपिंग पे आपको 30 पैसे की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। बट यहाँ पे भी आपको 250 रिवॉर्ड पॉइंट आपके पास होना चाहिए मिनिमम। एयर माइल्स की यहाँ पे बात की जाए, अगर एयर माइल पे आप रिडीम करवाते हैं अपने रिवॉर्ड पॉइंट को तो पर रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू है आपको 0.75 माइल्स यहाँ पे मिल जाएगी। बट आपके पास मिनिमम 100 रिवॉर्ड पॉइंट होना चाहिए। इसके अलावा कैश में भी कन्वर्ट हो जाएगा। कैशबैक के लिए आपकी रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू है वो 35 पैसे मिल जाएगी। यानी कि एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू है वो 35 पैसा मिल जाएगी। लेकिन आपके पास कम से कम 10,000 रिवॉर्ड पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए तभी आप कैश में रिडीम करवा सकते हैं। इसके अलावा गिफ्ट वाउचर के लिए यहाँ पे कोई ऑप्शन यहाँ पे नहीं है तो आप गिफ्ट वाउचर पे रिडीम नहीं करवा सकते। तो इस तरह इस कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट को आप रिडीम करवा सकते हैं। इसके अलावा ये जो आपको कार्ड मिलता है ये कॉन्टेक्टलेस फीचर के साथ मिलता है। तो आप किसी भी रिटेल आउटलेट पे 5000 रुपए का ट्रांजेक्शन है वो बिगर पिन के आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो ये फैसिलिटी भी आपको NFC का फुल सपोर्ट इस कार्ड पे मिल जाएगा। इसके अलावा सिटी बैंक के जितने भी ऑफर डिस्काउंट है वो सारे इस कार्ड पे मिलेंगे। जैसे EMI का ऑफर हो गया, इसके अलावा ऑनलाइन कोई भी डिस्काउंट वगैरह हो गया जैसे Amazon हो गया, Flipkart हो गया, इन सभी पे आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो ये काफी अच्छा क्रेडिट कार्ड है। इस कार्ड पे आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज है वो भी वेवर ऑफ मिलेगा। लेकिन ये इंडियन ऑयल ऑथराइज जो आउटलेट है उन्हीं पे ही मिलेगा। बाकी किसी भी आप आउटलेट से फ्यूल लेते हैं तो वहां पे आपको सरचार्ज लगेगा। तो इस चीज का ध्यान रखना है क्योंकि जो ऑथराइज इंडियन ऑयल है वो जहाँ पे सिटी बैंक अवेलेबल है सिर्फ वहां के ही जो फ्यूल आउटलेट है वहां पे ही वेवर ऑफ आपको मिलेगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखते हुए फ्यूल पे स्पेंड करना है। अब बात करते हैं इस कार्ड के फीस एंड चार्जेस के बारे में। तो दोस्तों, इस कार्ड को लेते हैं तो आपको किसी तरह की कोई फीस यहाँ पे नहीं देनी होगी। यानी कि नो ज्वाइनिंग फीस है इस कार्ड की। बात करते हैं एनुअल फीस के बारे में। तो दोस्तों, एनुअल फीस है वो इस कार्ड की 1000 प्लस GST चार्जेस आपको लगेगा इस कार्ड का।
बट आप एक साल में 30,000 अगर इस कार्ड से स्पेंड कर देते हैं तो जो एनुअल फीस होती है उसको वेवर ऑफ कर दी जाती है। इस कार्ड से इंटरनेशनल कोई भी आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो यहाँ पे आपको 3.5% का मार्कअप चार्ज इस कार्ड पे रहेगा। इसके अलावा आप रेलवे की बुकिंग करते हैं यानी कि ऑनलाइन कोई भी टिकट वगैरह परचेस करते हैं तो यहाँ पे भी आपको 1.8% का ट्रांजेक्शन चार्जेस है वो आपसे लिया जाएगा। तो इस चीज को भी आप ध्यान में रखते हुए यूज करना है। इस कार्ड के फाइनेंस चार्ज के बारे में यहाँ पे बात की जाए तो दोस्तों इस कार्ड पे फाइनेंस चार्ज रहेगा वो 3.75% पर मंथ का चार्जेस रहेगा जो 45% पर एनम चार्जेस इस कार्ड पे रहेगा। इनकेस आप किसी भी पेमेंट में डिफॉल्ट होते हो तो आपको ये इंटरेस्ट यहाँ पे लगने वाला है। तो इस चीज का ध्यान में रखना है क्योंकि इस कार्ड पे आपको काफी हाई इंटरेस्ट दिया गया है तो इसका पूरा ध्यान में रखते हुए अपने क्रेडिट कार्ड को यूज करना है। इस कार्ड को अप्लाई करने के लिए सैलरीड पर्सन भी कर सकता है, सेल्फ एम्प्लॉय भी कर सकता है। आपके पास आईडी प्रूफ होना चाहिए, साथ में एड्रेस प्रूफ भी होना चाहिए। अगर आप सैलरीड पर्सन है तो आपकी लेटेस्ट 2 महीने की सैलरी स्लिप यहाँ पे देना होगा। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय है तो आपको ITR की कॉपी है वो देना पड़ेगा। बड़ी आसानी से ये कार्ड मिल जाएगा। इसके अलावा आप कार्ड टू कार्ड भी इस कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं, बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगा। तो बस यही था सिटी बैंक रिवॉर्ड क्रेडिट कार्ड की जानकारी। वीडियो आपको पसंद लगती है तो इस वीडियो को जरूर से लाइक करें। चैनल पे फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल भी ऑन रखें ताकि हम जब भी फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी वीडियोज अपलोड करेंगे तो आपको मिलेगा सबसे पहले। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।